हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं हर्षित आनंद आ चुका हूँ एक नए इंस्टीट्यूट के रिव्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं MS IT का अलग अलग पैरामीटर्स पे और देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करती है कि नहीं। ये रिव्यू हम बिल्कुल ऑनेस्टली करने वाले हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आपसे बायस्ड होकर के शेयर करने नहीं जा रहे। जो भी रियलिटी होगी इस इंस्टीट्यूट के बारे में वो हम आपसे ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ऑनेस्टली। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं किस इंस्टीट्यूट का एक ब्रीफ ओवरव्यू। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो 2001 में स्टैब्लिश हुई थी। ये टेक्नो इंडिया ग्रुप कॉलेज के अंडर आती है। लोकेशन इसका वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। ये प्राइवेट टाइप इंस्टीट्यूट है। AICTE जो है AICTE से ये अप्रूव्ड है और मकाउ यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से ये क्या है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से ये एप्लीएटेड है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है आज का हमारा इस वीडियो का कंटेंट। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कनेक्टिविटी के पार्ट को। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या होने वाला है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में हम देखेंगे कौन कौन सी कोर्सेज ये इंस्टीट्यूट हमें ऑफर करती है, मोड ऑफ एडमिशन क्या रहने वाला है वो। फिर हम जो प्लेसमेंट है उसको कवर करेंगे कि कैसी प्लेसमेंट ये हमें प्रोवाइड करती है। साथ में क्या इसका कट ऑफ है वो डिस्कस करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स भी बताएंगे और भी डिस्कस बताएंगे हम आपको एट द एंड अपना POV पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज स्टूडेंट। मैं अगर क्या करता, अगर मुझे एडमिशन लेना होता तो मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या होती, मेरी पर्सनल चॉइसेस क्या होती, मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या होते, वो भी हम एट द एंड आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा होने वाला है हमारा कनेक्टिविटी। जैसा कि मैं आपको बताऊं जो नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है और हावड़ा जंक्शन से 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि जो इसका कनेक्टिविटी है वो अच्छा होने वाला है। कनेक्टिविटी इसका अच्छा होने वाला है क्योंकि ये कोलकाता से आउटर नहीं है, जैसे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो कोलकाता से आउटर पड़ता है। उसके बाद जो ये रूबी हॉस्पिटल है बस स्टेशन उससे भी ये नजदीक है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने से पहले बता दूं कि यहाँ पे जो एरिया है वो स्मॉल है, यानी कि जो स्पोर्ट्स हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थोड़ी नहीं मिलेगी आपको उतनी वाइडर। अगर आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये इंस्टीट्यूट उतनी ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली नहीं है। कैंपस फैसिलिटीज इसकी अगर देखें तो इसमें लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ऑडिटोरियम है, साथ में अगर आपको कोई भी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना है तो बैंक और ATM भी यहाँ पे अवेलेबल है अर्जेंसी के लिए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ये कैसा प्रोवाइड करती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे कुछ आउटडोर गेम्स अवेलेबल हैं लेकिन जो इसका कैंपस है जो कि उतना ब्रॉड नहीं है तो उसके कारण यहाँ पे प्लेग्राउंड की भी कमी है और जो स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज है वो भी यहाँ पे कम होने वाले हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली है। जैसे लैब वगैरह आपको मिल जाएगा, जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे है वो एडवांस इक्विपमेंट्स है, न्यूली परचेस्ड इक्विपमेंट्स वहां पे आपको मिलेंगे, तो ये एक आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ये कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करती है, CSE, AIML, डेटा साइंस, IoT, साइबर सिक्योरिटी, IT, ECE, EE, CSBS, MCA, MBA, MTech, ये सब कुछ, ये सारी कोर्सेज ये ऑफर करती है। अपना मेजर प्रेफरेंस BTech होने वाला है, मेजरली अपना फोकस BTech होने वाला है। चलिए कोर्सेज का मैंने फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे सब कुछ प्रॉपरली मेंशन कर दिया है। ये इसकी MS IT की रिसेंट फीस स्ट्रक्चर है तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ में मैंने अपने टीम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है तो वहां पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल मेंशन है उधर से आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपको आ रही है ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग तो आप हमारी टीम से पूछ सकते हो। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन इसका क्या रहने वाला है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि BTech प्रोग्राम जो होता है वो WBJEE या फिर JEE के थ्रू आप इधर एडमिशन ले सकते हो। 80% के राउंड सीट्स होती है वो WBJEE के अंदर रिजर्व होती है, 10% के राउंड इधर रिजर्व होती है। अब क्या है कि एडमिशन जो होगा MTech प्रोग्राम के लिए वो मैंने बताया, जैसे JEE लेट के थ्रू भी आप जा सकते हो अगर आपका BTech में इंटरेस्ट है तो एक WBJEE तो है ही, JEE मेंस भी है, JEE लेट के थ्रू, गेट के थ्रू आप जा सकते हो MTech के लिए। अगर आपको MCA में लेना है तो JEE CA के थ्रू, कैट, JEE मैट, मैट, ये सब कुछ आप MBA के लिए देख सकते हो। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा होने वाला है हमारा कट ऑफ। कट ऑफ जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट,
ये मैंने आपको ओवरव्यू बताया है 2002 और 2003 का, तो इधर से आप कंपेयर कर सकते हो कि कैसा रहने वाला है। जैसे बीटेक का मैंने कर दिया है मेंशन, ये 15,000, ये 15,03,632 ये इसका पिछली बार का था, तो मैंने ये कट ऑफ मेंशन कर दिया है ना। तो इधर से आप कट ऑफ रिगार्डिंग ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। इधर मैंने भी कर बता दिया आपको, जैसे ये देखो ये कट ऑफ जो बीटेक इंजीनियरिंग का गया था बाई रैंक 2002 में, 2000, ये सारा मैंने कट ऑफ आपको मेंशन कर दिया, इधर से आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि आप इस पे स्टैंड बाई करोगे या नहीं। चलो कट ऑफ अगर हम देखें तो डब्ल्यू बी जेई जेई सी ए का ये है, और डब्ल्यू बी जेई का कट ऑफ रैंक भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये मैंने, ये जेई सी ए का और ये डब्ल्यू बी जेई के थ्रू, तो इधर से आप एक ओवरव्यू ले सकते हो। रेदर देन आपका मेजर फोकस क्या होना चाहिए, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर करो, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो। अगर इससे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपका मेजर फोकस होना चाहिए एक बढ़िया इंस्टीट्यूट ऑप्ट करना। और हमारा भी मेजर फोकस यही होगा कि आपको एक बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको बता सके जो आपके क्राइटेरिया पर स्टैंड बाई करे, जो आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए सुटेबल रहे। तो वो अपना मेजर फोकस है और हमारी टीम उसके लिए काम कर रही है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। साथ में देखो प्लेसमेंट का बड़ा हाइप होता है हमारे दिमाग में, है ना, प्लेसमेंट कैसा होने वाला है प्लेसमेंट। तो मैंने कुछ इमेजेस भी लिए हैं, जैसे ये रितांकर सरकार है, इनका अमेजोन में लगा था 32 लाख का, ये इसका अभी तक का हाईएस्ट, ये एचपी ये हाईएस्ट पैकेज है। उसके बाद सौम्या सौरभ, इनका भी अमेजोन एसडी, ये भी हाईएस्ट पैकेज 32 लाख। उसके बाद अर्पण साहा थे, इनका न्यूटेनिक्स में लगा था 20.37 लाख पर एनम। उसके बाद नंदिनी कुमारी, ये एयरबस में लगा था हर्षवर्धन सिंह का, ठीक है। राजलक्ष्मी चक्रवर्ती इनका, और फिर ये पेटीएम में 10 लाख पे सैफ परवेज का। ये मैंने 2002 में, ये कुछ मैंने प्लेसमेंट डेटा आपको दिखाने की कोशिश किया ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल सके, क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में हम कंफ्यूज होते हैं। इवन बता तो देते हैं वो 32 लाख ये, पर कहाँ लगी, कौन सी कंपनी में लगी, ये सारी। तो मैंने नेम के साथ इमेजेस वगैरह आपको प्रॉपरली बता दिया है कि ये थे और इनकी इस कंपनी में प्लेसमेंट लगी है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लेसमेंट ग्राफ कैसा है इसका, है ना। ये मैंने ग्राफ लिया है एक ईयर वाइज, उसे समझने का कोशिश करेंगे हम। ये जो टोटल जॉब ऑफर 466, कंपनी विजिट इतनी, नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड जिसको 6 लाख, ये होता है कि जैसे हाईएस्ट प्लेसमेंट। और ये हमारे दिमाग में तो पता लग गया ये 32 लाख है, पर ये एक दो का ही जाता है ना, किसी एक दो बच्चे का। तो इसका एक प्लेसमेंट जो परसेंटेज है ना, वो भी अच्छी है, 80-85% के अराउंड है इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज। साथ में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको 6 लाख पर एनम से ज्यादा मिला हो, वो 48 है इसमें अराउंड 467 से। तो 48 एक अच्छा स्टूडेंट है। आपका कोशिश तो यही होना चाहिए कि आप बेटर से बेटर आप हाईएस्ट पैकेज ही ले जाओ, आप इस हाईएस्ट पैकेज का जो ये रिकॉर्ड है 32 लाख, इसको ब्रेक कर जाओ। पर ये डेटा आपको एक बताती है कि ये इंस्टीट्यूट आपका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो बढ़िया होने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिक्रूटर्स कौन कौन है। ये इसकी रिक्रूटर्स हैं, जैसे अमेजॉन ले लो, इन्फोसिस ले लो, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, डियोलाइट हो गए, है ना। ये सारे रिक्रूटर्स मैंने मेंशन कर रखा है, आप यहां से देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अच्छी अच्छी कंपनीज यहां पे विजिट करती हैं, ये बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनीज अगर आएंगी तभी आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपको मिल पाएगा। तो ये कंपनीज आती हैं, तो मेजर फोकस होना चाहिए आपका कि आप स्किल सेट अपना ऐसा प्रिपेयर करें कि आपको इनमें से कोई भी कंपनी अच्छा प्लेसमेंट ऑफर करके ले जाए। ओके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है इसका प्रोज एंड कॉन्स। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे बढ़िया होने वाला है, जिसपे अभी हम डिस्कस भी किए प्रीवियस स्लाइड्स में, और डिसेंट कंपनीज अमेजोन जैसी कंपनीज यहाँ पे एवरी ईयर आती है, ठीक है। पेटीएम जैसी कंपनी भी यहाँ पे आती है, इन्फोसिस आ रही है, इन्फोसिस का भी आज मार्केट में अच्छा नाम है, तो इन्फोसिस जैसी कंपनी भी यहाँ पे आती है जो कि एक अच्छा डिसेंट पैकेज आपको प्रोवाइड करते हैं। फैकल्टीज जो है वो सपोर्टिव है, उनका फैकल्टी जो है वो एनआईटी सेमटेक वगैरह कर रखे हैं, उनका एक सेल्फ का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट करके आपको बताते हैं, आपको इस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं ताकि आपका प्लेसमेंट हो जाए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। यानी कि मार्केट वैल्यू को, मार्केट डिमांड को वो समझते हैं और उसके बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। जो कौन से मैंने आपको बताया, एरिया शॉर्ट है, यानी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए उतनी फैसिलिटीज नहीं होने वाली है। साथ में यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, एक ये इसकी बड़ी बात है। लाइक कभी गर्ल्स जो होते हैं उनके पेरेंट्स को मोस्टली ये कंसर्न होता है, प्राइवेसी कंसर्न, तो यहाँ पे हॉस्टल नहीं है। आपको पीजी मिलेगा, पीजी मिल जाएगा आप वहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट में नहीं है। ये सबसे बड़ी कौन से है अगर आप देखो। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या होगा। अगर एज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट होता तो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या होता, अगर मेरा, मैं क्लियरली आपको बताऊंगा, ऑनेस्टली कुछ भी मैं बायस होकर के शेयर नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कि मेरी जितनी भी रिव्यू वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें मैं ऑनेस्टली
सब कुछ डिस्कस करूंगा, जो कॉन्स होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो प्रोज होंगे वो भी मैं बताऊंगा, और साथ में मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इस कॉलेज को ऑप्ट करता या नहीं, अगर मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता तो मैं इस इंस्टीट्यूट में नहीं जाता, दूसरा अगर मेरा प्राइवेसी कंसर्न होता मैं इस इंस्टीट्यूट में नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं है, उसके बाद अगर आपका डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आपको ये इंस्टीट्यूट ऑफर कर रही है, आपको कौन सा कोर्स यहाँ से मिल रहा है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ से मिल रहा है वेल एंड गुड जाएंगे, क्योंकि अगर हेरिटेज में और इस इंस्टीट्यूट में आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो अगर हेरिटेज में आपको मिल रहा हो कंप्यूटर साइंस आईटी मिल रहा हो जिसका मार्केट में वैल्यू है, साथ में आप अपने इंटरेस्ट को भी जरूर कंसिडर करना, आपका इंटरेस्ट होना सबसे जरूरी है, तो अगर आपको सीएससी वहां पे मिल रहा है आईटी भी वहां पे मिल रहा है हेरिटेज में तो आप हेरिटेज के लिए जाओ ओके। लेकिन अगर आपको हेरिटेज में नहीं मिल रहा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा, वहां पे जो कोर्सेज आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा, तो फोर्सफुली आप कोई भी कोर्स बस केवल और केवल इंस्टीट्यूट के नाम पे ऑप्ट मत करो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका जिस कोर्स में इंटरेस्ट है, कोर्स में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, अगर आपका कोर्स में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट में जो कोर्स मुझे मिल रही है वो मेरे इंटरेस्ट के लायक है और उसका मार्केट वैल्यू अच्छा है, तो देन गो फॉर इट ओके। सो आपको सबसे पहला क्या करना है, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आप मत जाओ, प्राइवेसी कंसर्न है नहीं जाओ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको जो कोर्स मिले कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह इन चीजों में जिसमें आपका इंटरेस्ट है और वो कोर्स यहाँ मिल रही है और वो कोर्स आपको दूसरी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर रही है, तब आप इस यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो। चलिए बाकी अगर आपको कोई और भी डाउट हो, कोई और भी क्वेरी हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया आपको किसी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग आ रही हो, आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम के टच में रह सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी बेटर कॉलेज बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।